जिसका खंड किए जाने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के हैं तीन भेद होते हैं, जिसमें रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ना है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूढ़, रूढ़ के बारे में लिखिए। वैसे शब्द जिनका खंड किए जाने पे कोई अर्थ नहीं निकले उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़। जैसे नाक, मैं नाक को अलग कर दीजिए और क को अलग कर दीजिए, ऐसे ही कान, है ना, ऐसे ही कई सारे शब्द होंगे। चाल हो गया, ये हो गए हमारे रूढ़ जिनमें कोई भी खंड नहीं निकलता है, ना तो ना का अर्थ निकलेगा ना ही का अर्थ निकलेगा। यौगिक के बारे में लिखिए। वैसे शब्द जिनका खंड करने पे उनका जो अर्थ है वो सार्थक हो उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक। जैसे घुड़सवार, घोड़ा और सवार है ना, नील कमल, नीला कमल, नीला और कमल, समझ में आ रहा? ऐसे ही कई सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे। जैसे विद्यालय प्रचलित है, शब्द है विद्या और आलय, और आलय, आलय का मतलब घर होता है। ये जब हम पढ़ेंगे संधि उस समय यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। योग रूढ़ जो है ना शब्द, ये उन शब्दों को कहते हैं जो अपने मूल अर्थ को छोड़ के किसी विशिष्ट अर्थ को धारण करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़। जैसे पंकज, पंक में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? पंकज यानी कमल। ये जब हम समास पढ़ेंगे उसमें भी हम पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आएंगे। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, उसको बोलेंगे भगवान गणेश, है ना। इसके बाद पीतांबर, ऐसे ही कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो विशेष शब्द धारण करते हैं। चक्र है पाड़ी में जिसके, पीतांबर पीला है, अंबर मीन्स कपड़ा जिनका, दोनों का भगवान विष्णु से संबंध है, ठीक है। योगरूढ़ आपको समझ में आ गया होगा, रूढ़ यौगिक और योगरूढ़ जिसका खंड किए जाने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़। खंड किए जाने पे अर्थ निकलता है हर भाग का उसको हम योगरूढ़, माफ कीजिए, यौगिक बोलते हैं खंड किए जाने पे। और जो विशिष्ट अर्थ धारण करे, जो शब्द विशिष्ट अर्थ धारण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? योग रूढ़ यानी योग रूढ़। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।